Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with Himanshi Rishi. So, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं जो कि रहने वाला है EMRS एग्ज़ाम से रिलेटेड। जी हाँ, जैसा ही आप अपनी स्क्रीन पे थंबनेल में भी देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज डेट्स आउट फॉर EMRS। सो यस, दिस इज़ ट्रू। कल मैंने आपको EMRS की फ़ाइनल डेट्स डिस्क्लोज़ करी थी। जो टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको बताई थी, उन्हीं टेंटेटिव डेट्स पे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी इन्होंने कंडक्ट करवाने के लिए रखे हैं। सो जो फ़ाइनल डेट्स जिन्हें नहीं पता, उन्हें मैं दोबारा से बता देती हूँ कि 16, 17, 23 और 24 दिसंबर में CBSE ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा EMRS का। सो इन चारों डेट्स पे एग्ज़ाम फाइनली कंडक्ट होंगे EMRS के, ठीक है, दिसंबर, अपकमिंग दिसंबर में। सो आज ही EMRS ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज डेट शीट डाली है। सो बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कल वीडियो में, जो मैंने जिसमें एग्ज़ाम डेट्स करी थी, बताई थी कि मैम TGT का कब होगा, PGT का कब होगा। सो आप वीडियो से एंड तक बने रहिएगा, आपको सब पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब है। एंड नॉट ओनली दैट, इन्होंने बहुत क्लियरली एग्ज़ाम डेट के साथ इन्होंने शिफ्ट भी बहुत अच्छे से ब्रैकेट में मेंशन किया है। सो अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट, कौन सी शिफ्ट को है। सो आई नो बहुत से डेट्स ओवरलैप भी कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, बट ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते। यही फाइनल डेट्स हैं जो कि EMRS ने कंफर्म करी हैं। सो हाल ही में एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स द्वारा ये सर्कुलर, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जारी किया गया है। सो पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है, देन उसे समझते हैं। The recruitment examination for teaching and non-teaching posts for EMRS through ESSE 2023 shall be conducted by CBSE in the month of December as per the schedule given below. बहुत clearly इन्होंने mention किया है कि ये जो exam है ये CBSE द्वारा conduct किया जाएगा, और जो schedule है वो आपको नीचे दे रखा है। इसी schedule पे, इन्हीं dates पे EMRS का exam conduct करवाया जाएगा। सो मोड बता रखा है, पहले भी मैंने बताया था, मोड आपका ऑफलाइन मोड रहने वाला है, मतलब आपको OMRS शीट दी जाएगी आंसर्स फिल करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या डेट शीट है। सो सबसे पहले पोस्ट देखते हैं। प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम है वो है 16 दिसंबर को मॉर्निंग में। शिफ्ट भी बता रखी है, 16 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है। फिर सेकेंड पे है PGT, पोस्ट ग्रेजुएट्स का जो एग्ज़ाम है वो है 16 दिसंबर इवनिंग में, ठीक है। जितने भी PGTs लोगों ने भरे हैं, तो आप मान के चलो आपका जो डे है वो 16 दिसंबर इवनिंग में आपको एग्ज़ाम देना होगा। हॉस्टल वार्डन का 17 दिसंबर को एग्ज़ाम रहेगा मॉर्निंग में। और JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 17 दिसंबर इवनिंग में रहेगा, ठीक है। सो हर एग्ज़ाम्स मॉर्निंग इवनिंग में ही हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट का 23 दिसंबर को मॉर्निंग में रहेगा। और जितने भी TGTs हैं, म्यूज़िक को छोड़िए, जितने भी मेन जो सब्जेक्ट हैं, जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनके TGT का एग्ज़ाम 23 दिसंबर इवनिंग में रहेगा। अब 7वें नंबर पे TGT मिसलेनियस, ठीक है। जितने भी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तो TGTs का तो हो जाएगा 23 दिसंबर को, और जो भी मिसलेनियस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है TGTs में वो 24 दिसंबर मॉर्निंग में रहेगा। और जो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर इवनिंग में रहेगा। सो आई होप अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी हो चुकी है। कल जब मैंने डेट्स बताई कि फ़ाइनल डेट्स ऑफिशियल आ चुकी है, बहुत बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि मैम हम TGT का कब है, PGT का कब है। बहुतों ने बताया कि एग्ज़ाम डेट ओवरलैप कर रही है और भी इस दिन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। इन्हें देखना चाहिए था, जहाँ तक इतना वेट कराया है एक महीना और चाहे वेट करा के ये डेट्स, लेकिन ओवरलैपिंग से बचा सकते थे कैंडिडेट्स को। नेट के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं बीच में, बट इट इज़ हाउ इट इज़ नाउ, और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी है। अब इनमें नोट भी लिखा गया है, वो भी देख लेते हैं। The examination city allotted to the candidates has been displayed in their application login. Since there are more number of candidates in Bhopal, Hyderabad, Jaipur, Lucknow and Vijayawada, so some examination centers have been set up in other nearby cities in the concerned states. Accordingly, some of the candidates who had opted these examination cities have been allotted examination center in these newly identified cities for examination. अब इन्होंने बहुत clearly एक चीज़ mention करी है कि जो भी आपने examination city चुनी है वो आपको पता रहेगा। अगर आप भूल गए हो तो आप अपने application form में जाके login करके देख सकते हो कि आपने कौन सी सिटी को या फिर स्टेट को चुना है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहे। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ एंड विजयवाड़ा को चुना है, यहाँ पे बहुत बच्चों के सेंटर्स पढ़ रहे हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं था कि जितने भी लोगों ने ये जगह डिसाइड करी है सबको ये सेंटर्स अलॉट कर दिए हों। तो इन्होंने किया है कि कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने ये जगह सिलेक्ट करी हैं, इनके सेंटर्स इन्हीं के आसपास की जगह में डाले गए हैं, जो इनके आसपास की सिटीज़ है वहाँ पे इनके सेंटर्स दिए गए हैं। तो ये दिमाग से निकाल देना जिन लोगों ने ये सेंटर्स चुने हैं कि आपको डेफिनेटली ये सेंटर्स एग्ज़ाम देने के लिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत क्लियरली मेंशनड है। और सेकंड पॉइंट पे इन्होंने लिखा है, द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन एनी केस। बहुत क्लियरली मेंशनड है कि अगर आपकी पसंदीदा सिटी में आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिया गया तो कोई भी बच्चा किसी भी मोड में या किसी भी फॉर्म में रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि हमारा एग्ज़ामिनेशन सेंटर बदला जाए, नहीं बदला जाएगा। सो आज की वीडियो में यही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बट एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, जो चैनल पे न्यू है मेरे उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जनरल पेपर पे जितने भी सब्जेक्ट्स आपको आ रहे हैं, स्पेशली फॉर टीजीटी पीजीटीज़, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। सो जो चैनल पे न्यू है, अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट, अगर आपको इस बारे में नहीं पता कि जैसे कि एजुकेशन, करंट अफेयर्स, एजुकेशनल जीके, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, सो मोस्टली NVS का और इसका आपको पता ही होगा कि सेम सिलेबस है। सो जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं मैंने प्लेलिस्ट में डिस्कस करे हैं, सारे इम्पॉर्टेंट MCQs मैंने डिस्कस करे हैं। काफ़ी आपको 10-20 नंबर के मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, थ्योरीज भी मिलेगी, जनरल इंग्लिश और काफ़ी सब्जेक्ट्स की। सो ज़रूर उन प्लेलिस्ट को आप विज़िट करिएगा, देखिएगा, अपनी नॉलेज टेस्ट करिएगा। और आज ही मैंने एक मॉक टेस्ट डाला है जिसका फीडबैक और जिसका मतलब बहुत अच्छा रहा है फीडबैक, काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया, मार्क्स भी बताए। सो यस, आप भी ज़रूर अटेम्प्ट करके देखिए, प्रीवियस ईयर्स भी गिवन है, सो दैट आपको पता रहे कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी बेसिकली तैयारी कैसी चल रही है। सो डेट्स अब आपको पता चल चुकी है, इन्हीं डेट्स के हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए। एंड बहुत से स्टूडेंट्स का एक मतलब वीडियो चाहते हैं कि मैम आप बताइए कि मतलब लास्ट टाइम रिवीजन या फिर ये लास्ट टाइम तैयारी अब कैसे करें। तो यस, इसके ऊपर भी मैं जल्दी एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। टिल देन जैसे आप कर रहे हैं वैसे आप करिए। दिसंबर का आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ रिविज़न तैयारी के लिए रखिए, सिलेबस आप नवंबर में करने की पूरी कोशिश करिए। सो वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग EMRS, नॉट EMRS बट फॉर योर अपकमिंग ऑल द एग्ज़ाम्स। सो या, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।